अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साजिद हसन, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान की टीम जो है वो काकुल के अंदर मौजूद है इस वक्त, और काकुल के बाद जो है पाकिस्तानी टीम का पहला दौरा होगा न्यूजीलैंड का, और न्यूजीलैंड की टीम जो पाकिस्तान आ रही है इसके अंदर न्यूजीलैंड की बी टीम पाकिस्तान आ रही है, और पाकिस्तान का कौन सा स्क्वाड होगा ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान के जो 11 रुकनी खिलाड़ी हैं उनके अंदर कौन कौन शामिल होगा, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। जो 18 रुकनी खिलाड़ियों को ऐलान किया गया है उन्हीं में से जो 11 खिलाड़ी हैं, यानी कि बाबर आजम, साइम अयूब, फ़खर जमान तो शायद इस सीरीज़ में ना हो, मोहम्मद रिजवान और साहबजादा फरहान और इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, इमाद वसीम, आमिर, शाहिन शाह कुछ मैचेस खेलेंगे और शाहिन शाह को कुछ मैचेस के बाद ड्रॉप कर दिया जाएगा, नसीम शाह होंगे, और इसके अलावा हारिस राव भी इस वक्त ज़्यादा फिट नहीं है। तो यही सारे खिलाड़ी होंगे जो न्यूजीलैंड की बी टीम का मुकाबला करेंगे। अब न्यूजीलैंड की बी टीम जो है वो आ रही है, उसके ऊपर जुनैद खान ने बहुत ज़्यादा बातें की हैं और कहा है कि न्यूजीलैंड की बी टीम जो पाकिस्तान आ रही है कि उनको IPL की फ़िक्र है, अपने मुल्क से खेलने की फ़िक्र नहीं है। बहरहाल वो जाने, वो उनका मुल्क जाने, उनके खिलाड़ी जाने, उनका क्रिकेट बोर्ड जाने, हम कौन होते हैं ये वाली बात कहने वाले। पिछली दफ़ा भी ऐसा हुआ था, पाकिस्तान आई थी न्यूजीलैंड की बी टीम, और इस बार भी सेम यही हो रहा है कि न्यूजीलैंड की बी टीम उन्होंने पाकिस्तान भेजी है। पाकिस्तान से अगर देखा जाए तो कोई भी टीम जो है वो अपनी आसानियाँ देखती है, और ज़्यादातर जो देखा गया है न्यूजीलैंड की टीम हो, इंग्लैंड की टीम हो, अपनी सीनियर ट्रेनिंग टीमों को भेजती हैं, लेकिन न्यूजीलैंड का दौरा ऐसे मौके के ऊपर पड़ता है कि वहाँ पर इंडिया के अंदर IPL हो रहा होता है, और उनके जो एक दफ़ा ऐसा भी हुआ था कि साउथ अफ्रीका की टीम भी IPL के अंदर मसरूफ़ थी और उन्होंने अपनी बी टीम जो है वो पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए भेज दी थी। ऐसा उस वक्त होता है जब पाकिस्तान और पाकिस्तान फ्री होता है IPL के दौरान, और दूसरी टीमें जो हैं उनके खिलाड़ी जो हैं वो IPL खेल रहे होते हैं, और इस तरह जब पाकिस्तान से उनका क्रिकेट बोर्ड जो है वो कमिटमेंट कर लेता है तो फिर वो इसी तरह बी टीम भेज देते हैं, और यही कुछ इस बार हो रहा है। अच्छा, इस बार कुछ नया क्या होगा पाकिस्तानी टीम के अंदर? शाहिन शाह आफीदी जो है उनको रेस्ट दिया जाएगा। उस्मान खान जो हैं उनके बारे में कुछ बातें आ रही हैं कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जब से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि उस्मान खान को UAE की जानिब से जो है धमकियां दी गई हैं और वार्निंग दी गई है कि भाई अब आपके साथ जो है मसला हो जाएगा, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो उस्मान खान के साथ जो है वो पाकिस्तान का मुआहदा करने की जो है फैसला किया है कि किसी तरह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उस्मान खान के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा, और उसके बाद जो है उसकी नौकरी और उसका जो मामला है, उसकी जो कुर्बानी है जो देकर आ रहा है, वो जो है वो ज़ाया ना जाए और उसके लिए पाकिस्तान में उसको यूज़ कर लिया जाए। बहुत बासलाहियत खिलाड़ी है, उसको यूज़ करना पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगा, और अब पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए भी आगे निकल रहा है। पाकिस्तान अभी से तैयारी कर रहा है कि वर्ल्ड कप के लिए, हालांकि अभी तक फैसला नहीं हुआ है कि ये जो र्यूमर्स गर्दिश कर रही हैं कि गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी जो हैं वो पाकिस्तानी टीम के कोचिंग कोच होंगे, और कोचिंग स्टाफ जो है उसका दीगर अमला जो है वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन इनको भी कोई जल्दी नहीं है, और ना ही अभी 18 तारीख को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ है, अभी बहुत टाइम बाकी है। तो कौन फाइनल हुआ है ज़रा ये भी बता दें, हो सकता है फाइनल हो गए हों ये लोग और ये लोग जानबूझ के बता नहीं रहे हो, जिसकी वजह यही हो सकती है कि अभी बताकर जो है वो बिला वजह का मामला जो है वो बिगाड़ने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी टीम जो है वो काकुल अकेडमी के अंदर ट्रेनिंग कर रही है, 7 तारीख को ये ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आर्मी चीफ से ये लोग मुलाकात करेंगे, और हो सकता है टूर से पहले ही ये अनाउंसमेंट भी हो जाए कैंप ख़त्म होने से एक दिन पहले या कैंप ख़त्म होने वाले दिन कि पाकिस्तान के कोच जो हैं वो ये लोग हैं, और वाइट बॉल का और रेड बॉल का कोच जो है वो पाकिस्तान का किस किस को नामज़द किया गया है। तो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर उतनी ज़्यादा ख़राब नज़र नहीं आ रही। बहरहाल अगर देखा जाए इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो काकुल अकेडमी के अंदर है, और रमज़ान के महीने चल रहे हैं, लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ पर। पाकिस्तान का जो टेस्ट का मसला है, पाकिस्तानी टीम की टेस्ट जो रैंकिंग है वो नीचे आ रही है। पाकिस्तान को इस बारे में किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है, पाकिस्तान को सिर्फ T20 वर्ल्ड कप की फ़िक्र है। टेस्ट सीरीज़ जो है वो है भी काफ़ी दूर, और उसके लिए इतना ज़्यादा कुछ ज़्यादा प्लानिंग की और इतना ज़्यादा कोई चैम्पियनशिप हासिल करने की, या फिर पाकिस्तान को टेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर वन पोजीशन या नंबर टू या टॉप थ्री के अंदर लाने के लिए भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अभी तो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। लेकिन रेड बॉल का कोच पाकिस्तानी टीम अगर अलग से बना रही है, तो फिर पाकिस्तानी टीम को एक अलग से पाकिस्तानी टीम भी बनानी है, क्योंकि T20 और वनडे
जो है ये इनके अलावा जो है वो टेस्ट का फॉर्मेट जो है उसके अंदर अगर आपको सीरीज़ भी ज़्यादा करनी है और उसके लिए अगर आपको खिलाड़ियों को ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो टेस्ट का टेम्परामेंट रखते हों तो उसके लिए आपको चाहिए कि एक अलग से टीम बनाए। पाकिस्तान के पास बहुत से बासलाहियत खिलाड़ी मौजूद हैं जो टेस्ट टीम के अंदर मौजूद हो सकते हैं, बिल्कुल अलग टीम हो टेस्ट टीम और उसके साथ साथ एक मुतवातिर जो है वो पाकिस्तानी टीम जो है वो दौरे भी करती रहे दीगर टीमों के साथ टेस्ट सीरीज़ के लिए। हालांकि फ्यूचर टूर प्रोग्राम जो है वो बन जाता है लेकिन उसके अंदर भी अगर बायलेटरल सीरीज़ की बात हो तो टेस्ट मैच की और टेस्ट सीरीज़ की जो है वो गुंजाइश निकलती हुई नज़र आ सकती है। पाकिस्तान को दीगर ममालिक जो छोटे ममालिक हैं या फिर जो भी हाथ लग रहा है उसे ये बात ज़रूर करनी चाहिए कि टेस्ट जो है वो पाकिस्तान को ज़्यादा खेलने हैं। अब आप तस्वूर करें पाकिस्तानी टीम को जो है 10-12 टेस्ट अगर साल के मिलेंगे तो पाकिस्तानी टीम कहाँ से अपनी कारकर्दगी का अच्छा मुजाहरा कर सकेगी, क्योंकि इतने कम टेस्ट मैचेस और उसके बाद जो है वो तवक्कात जो है वो पाकिस्तानी टीम से बहुत ज़्यादा रख ली जाती हैं। गो कि अब हर ममालिक जो है वो टेस्ट मैच के ऊपर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे लेकिन फिर भी टेस्ट मैच की अपनी अहमियत है और उसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी टीम के अंदर जो है वो शाहीन शाह आफरीदी के बारे में ये वाली खबर जब मुझे पता चली कि उनको रेस्ट दिया जाएगा और उनको जो है वो अब देखें किस तरह वक्त जो है वो चेंज होता है। कल तक शाहीन शाह आफरीदी जो है वो पाकिस्तानी टीम का कप्तान था, आज उसको टीम से निकालने की और रेस्ट देने की बातें हो रही हैं। अब वो क्या अब अपने इंटरव्यू के अंदर या अपनी कोई बात करता है, अपना रिएक्शन जो है वो उन्होंने अब तक शो नहीं किया है, ना ही बताया है कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं जो कुछ भी हुआ है उनके साथ, मगर सूरत हाल कुछ ज़्यादा अच्छी होती हुई नज़र नहीं आ रही। ग्रुप बंदियों की बातें की जा रही हैं पाकिस्तानी टीम के अंदर कि पाकिस्तानी टीम जो है बाबर आजम की कप्तानी दोबारा से उनको मिली है, इस तरह पाकिस्तानी टीम के अंदर ग्रुप बंदियां ज़्यादा होंगी और पाकिस्तानी टीम जो है वो सियासत के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी, जिस तरह की कोशिश करते हुए आ रहे हैं मोहसिन नकवी साहब के सियासत और ग्रुपिंग को ख़त्म किया जाए, ये कोशिश जो है वो कोशिश ही रहेगी। हर वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पाकिस्तानी टीम के साथ चिपक के नहीं बैठा रहेगा, ना ही उनके ऊपर हर वक्त नज़र रखी जा सकेगी। ग्राउंड के अंदर गैर मुल्की टूर्स के अंदर क्या क्या बदगुमानियाँ हो जाती हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शायद अंदाज़ा नहीं है, और इस छोटी सी बदगुमानी जो है वो कितनी बड़ी हो सकती है इस बात का भी उनको अंदाज़ा नहीं है। और खिलाड़ियों के अंदर जो फासले पैदा हुए हैं मेंटली तौर पर और जिस्मानी तौर पर उसके अंदर भी यही बदगुमानियों का किरदार है। देखते हैं, सिर्फ एक कोशिश है पाकिस्तान का परचम जो है वो ऊपर रहे, उसके लिए बाबर आजम हो कोई भी हो पाकिस्तानी टीम का जिसने परचम ऊपर किया है पाकिस्तान का परचम जो है और पाकिस्तान को एक किसी पोजीशन के ऊपर लेकर आए हैं उसके लिए हम उसको सपोर्ट करने को तैयार हैं। लेकिन अफसोस ये होता है कि बाबर आजम गुज़िश्ते 4 साल के अंदर कोई ऐसा काम नहीं कर सके, इस बार उनसे तवक्को है, इस बार उम्मीद है कि वो अपनी तवक्को के ऊपर पूरा उतरेंगे और पूरी लोगों की सपोर्ट जो है वर्ल्ड कप तक, आप लोग एक फैसला कर लें कि वर्ल्ड कप जब तक हो रहा है, वर्ल्ड कप का जब तक फैसला नहीं हो जाता पूरा पाकिस्तान मिलकर जो है बाबर आजम को एज अ कप्तान सपोर्ट करेगा। ये पूरी सपोर्ट बाबर आजम के हाथ में होगी, पूरी टीम उसको सपोर्ट करेगी, फिर देखते हैं कि खुदा ना खास्ता बाबर आजम जो है वो नाकाम होते हैं या फिर वो पाकिस्तान का परचम जो है वो बुलंद करने में कामयाब हो सकते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है ज़रूर बताइएगा, आपके रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।